माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को यह आदेश दिया कि इस बार हम लोग यूपी थीम स्टेट बनेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश से बहुत सारी चीज़ें यहाँ लाकर दिखाना चाहते हैं। प्रदेश हमारा बहुत बड़ा है, क्या नहीं है वहाँ पे, और इसलिए हम लोग बनारस के घाट भी दिखाएंगे, संगम और अयोध्या और जो हमारा अर्धकुंभ का पूरा मेला लगने जा रहा है उस पर ब्रांड करेंगे, अयोध्या और राम की नगरी दिखाएंगे, मथुरा दिखाएंगे, हम आगरा और आगरा के जितने हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल और बाकी सब चीज़ वो भी दिखवाएंगे। बुद्धिस्ट सर्किट हमारे पूरा बुद्धिस्ट सर्किट हमारे पास है तो उसको हम दिखाना चाहेंगे। हमारे पास बहुत सारा म्यूज़िक फोक कल्चर वो है, वो दिखाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर जो है हम बनारस में साड़ी जो बिनी जाती है उसकी वीविंग होती है उसको जो है हमारे घर में साड़ी का वीवर का एक परिवार लाकर साड़ी बनेंगे हैंडमेड। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इसकी योजना बनाई जा रही है हरियाणा सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट हरियाणा के साथ, सूरजकुंड मेला की अथॉरिटी के साथ हम लोग बहुत क्लोजली वर्क करके कोशिश करेंगे नायाब चीज़ें लाएं। फूड के लिए भी जो हम कोशिश करेंगे, बनारस की चाट से लेकर वहाँ का बाटी चोखा लिट्टी और लखनऊ का जो पूरा क्यूजीन है, बाकी जो हमारा क्यूजीन है वो लेकर आए। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 150 क्राफ्ट्समैन हमारे आ जाएं। प्रदेश हमारा बड़ा है, अब तक हमारे पास 100 से ऊपर क्राफ्ट्समैन अप्लाई कर चुके हैं, तो आज सर ने अलाउ किया है कि हम लगभग 150 क्राफ्ट्समैन को यहाँ शामिल करें। क्राफ्ट्समैन तो हमारे हर चीज़ में, तो हर क्षेत्र में हम लोग के पास क्राफ्ट्समैन है। कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए अभी हम लोग इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बट यूपी के हर क्षेत्र से हम कल्चरल, हम बुंदेलखंड के सांस्कृतिक दल पाई डंडा है, हम फैज़ाबाद अयोध्या के जो दल हैं उनको, आज़मगढ़ और उस साइड के भी दल हैं, हमारे जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे दल हैं, हमारा सोनभद्र है वहाँ ट्राइबल्स हैं जो हमारे आदिवासी जो है हमारे पास आर्ट है, वो भी हम सब पूरा एक साथ लेकर आए। इस बार हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं, क्राफ्ट पर्सन्स की हट्स इम्प्रूव कर रहे हैं, फूड कोर्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर कुजीन लाएं। जहाँ तक यूपी का सवाल है, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब खुद यहाँ तशरीफ लाएं, तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं वो खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह यूपी को हम शोकेस करें, और उन्होंने कहा है कि जो अलाहाबाद में कुंभ 2019 में होने वाला है उसका रेप्लिका पूरा यहाँ पे एम्बियंस के साथ क्रिएट किया जाए। तो यूपी तो वैसे भी उत्तर भारत की जान है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, तो यूपी की जो रिचनेस ऑफ कल्चर है, डाइवर्सिटी है, वो बहुत इफेक्टिवली यूपी टूरिज़्म आपके सामने लाएगी।